Applause for a great and exciting game of cricket, yaar. Come on. I think T25 का ये 12th लीग मैच बड़ा ही अच्छे नोट पर एंड हुआ है. कुछ डिस्टर्बेंसेस मैच के बीच में जरूर हुई थी, बट उसके बाद दोनों कप्तानों की सूझबूझ से ये गेम पूरा चला भी और अपने अंजाम तक पहुंचा. टॉस जीत करके आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था विस्टाउन यूनाइटेड की बैट्समैन से सजी हुई इस टीम ने. हालांकि वाओ जिम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड्स भी है इस टूर्नामेंट की, आज शायद थोड़ा सा ऑफ डे जरूर रहा उनका. विस्टाउन यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निराश नहीं किया ओपनर्स ने बिल्कुल भी. विनीत वोरा कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 34 रन 27 बॉलों में, 13 रन 14 बॉलों में. विकेट कीपर बैट्समैन अमित अरोड़ा, रोहित बंसल जो कि बहुत कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट दी सीरीज अभी तक और हमेशा बल्ले से रन करके दिए, आज भी उन्होंने निराश नहीं किया है. 21 बॉलों में 39 रन रोहित बंसल, 12 बॉलों में 17 रन बनाए कुमार शशांक ने और 6 बॉलों में 16 रन बनाए अनमोल ने. लेकिन एक ऐसी पारी जिसने मैदान के चारों तरफ जबरदस्त स्ट्रोक लगाए और एक ही ओवर में 4 छक्के भी जड़े. आई थिंक एक आउटस्टैंडिंग नॉक हमें यहां देखने को मिला है. 290 की स्ट्राइक रेट, 12 छक्के, 7 चौके, 41 बॉलों में 119 रन. विपुल शर्मा, हम सब जानते हैं कि वाओ जिम एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट है और उन्होंने अभी तक 3 के 3 मैच जीते हैं. जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा पेश हर मैच के अंदर उन्होंने जरूर किया है. आज मोस्ट प्रॉबली एक फील्डर भी शॉर्ट था, उसकी भी कमी जरूर खली. लगभग 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया आज कप्तान मुनव्वर जमान ने. जावेद 5 ओवर 44 रन 1 विकेट, 5 ओवर 66 रन 1 विकेट मुनव्वर जमान. सूफियान आई थिंक उनकी तरफ से स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं एंड दी मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे हैं. 3 विकेट हासिल किए हैं, 5 ओवर 46 रन सूफियान को, 3 विकेट, 1 विकेट मिला है सैफ को 3 ओवर में 44 रन देकर के और 2 विकेट लिए फरत ने 4 ओवर 48 रन 2 विकेट. जवाब में उतरी वाओ जिम की शुरुआत काफी खराब रही आज. दोनों ओपनर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए. इनफैक्ट पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि डबल फिगर का मार्क छू पाए. जावेद ने जरूर एक बहुत संघर्ष भरी पारी खेली है, नॉट आउट 20 रन 24 बॉलों में. जावेद जब वाओ जिम के बैट्समैन को बैटिंग करने के अंदर बहुत परेशानी दे रहे थे विस्टाउन यूनाइटेड के बॉलर्स, तो जावेद ने एक नॉट आउट और इन द कंटेस्ट ऑफ द गेम 77 रन पे, क्योंकि ये मैच खत्म हुआ है वाओ जिम का, तो लगभग 1/3 से ज्यादा रन जावेद ने बनाए, 20 रन नॉट आउट. और सैफ दूसरे बल्लेबाज रहे जो कि डबल फिगर से पहुंचे 7 बॉलों में 13 रन बनाकर. मात्र 4 बॉलर से ही पूरी इनिंग्स को खत्म कर दिया आज विस्टाउन यूनाइटेड के कप्तान विनीत वोरा ने. अनमोल 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, अनमोल 3 ओवर 17 रन 2 विकेट. रोहित यादव, कोशो खुराना जो कि लीडिंग बॉलर, जो कि लीडिंग विकेट टेकर भी चल रहे हैं इस टूर्नामेंट के भीतर, 2 ओवर में 25 रन और आज एक सफलता जरूर मिली है उन्हें. और आई थिंक एक बॉलर जिसने 4 विकेट लेकर के बिल्कुल कमर तोड़ दी वाओ जिम की बैटिंग लाइनअप की. हम जानते हैं वाओ जिम ने पिछले दोनों मैच एंड तक बैट करके बहुत ही कड़ी पोजीशन से अपने नाम किए थे. आज हालांकि वो ऐसा करने में नहीं सफल हो पाए, सिर्फ 2.4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट. क्या बात है, क्या बात. सो गाइस, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द 4 अवार्ड्स दैट वी हैव फॉर मैच. T20 मैचेस के अंदर हम जानते हैं कि फील्डिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करती है और आज विस्टाउन यूनाइटेड के फील्डर्स बड़े मुस्तैद थे. एक ऐसा फील्डर जिसने एक बेहतरीन कैच जरूर लिया है डीप के अंदर, जो कि मुझे बताया गया, हालांकि मैं यहां पर मौजूद नहीं था. अनमोल ने एक विकेट लिया डीप के अंदर, उसी ने लिया कैच ड्रॉप किया था वैसे. रोहित बंसल, नासिर शेख जो कि एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं वाओ जिम के, उनको वापस भेजा नासिर शेख को. रोहित बंसल ने एक जबरदस्त कैच लेकर तो फील्डर ऑफ द मैच रोहित प्लीज कम फॉरवर्ड फील्डर ऑफ द मैच. वाओ जिम के बहुत सारे, वाओ जिम एक जबरदस्त टीम है हम सब जानते हैं और आज जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली उनका जो ऑफ डे था, देयर आर मच 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 बेटर साइड देन व्हाट इट इज एज ऑफ नाउ ऑन द स्कोर कार्ड. एक ऐसा प्लेयर उनकी टीम में जो कि निरंतर हर मैच के अंदर परफॉर्म कर रहा है और आज भी उसने निराश नहीं किया है.
तीन विकेट भी लिए, जबरदस्त कैचेस भी पकड़े डीप के अंदर। सुफियान इज द फाइटर ऑफ द मैच फॉर टुडेज मैच। सुफियान, प्लीज रिक्वेस्ट अमित, अमित प्लीज हैंड ओवर द ट्रॉफी, फाइटर ऑफ द मैच सुफियान। सुफियान बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं सीरीज में अभी तक। Now bowler of the match, it was probably one of the easiest picking for me today. In fact, अगर मैं ड्रीम इलेवन के हिसाब से चलूँ तो आज दोनों ट्रॉफी एथलीट के नाम पे जानी चाहिए, बट सिंस वी आर फॉलोइंग वन ट्रॉफी पर प्लेयर स्कीम इन दिस टूर्नामेंट, आई थिंक सबसे ज्यादा इजी पिकिंग थी आज का बॉलर ऑफ द मैच चुनने के लिए अनुभव फॉर हिज आउटस्टैंडिंग 2.4 ओवर 12 रन 4 विकेट्स। अनुभव बहुत बढ़िया भाई, बॉलर ऑफ द मैच भाई इनको नहीं देना चाहिए। इसी वजह से भाई आई थिंक 273 अभी तक का हाईएस्ट टोटल है इस T25 लीग का। इसमें दो सेंचुरीज पड़ चुकी हैं, ये तीसरी आज भी पड़ी इस ग्राउंड के ऊपर 273 इन 23 odd overs, guys. It had to be an outstanding effort from someone who could hit all across the park, और वो करके भी दिखाया आज 12 छक्के और 7 चौकों की मदद से 41 बॉलों में 119 रन। विपुल शर्मा, मैन ऑफ द मैच विपुल। क्या बात है विपुल यार, 34 बॉल सेंचुरी थी, 34 बॉल सेंचुरी, सुपर है यार, सुपर है, चार मार दिए यार, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू गाइस।